नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जिले के सुप्रसिद्ध तीर्थ बागेश्वर धाम में एक पुलिसकर्मी के पैर को एक कार ने उस वक्त कुचल दिया जब कार आगे जा रही थी और पुलिसकर्मी उसे रोकने के लिए गया हुआ था। हालांकि बाद में कार चालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस लाइन में पदस्थ ASI भूरेलाल को बागेश्वर धाम में तैनात किया गया था। भूरेलाल अपनी ड्यूटी कर रहे थे तभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ का एक परिवार अपनी कार से यहां पहुंचा। भूरेलाल ने सुरक्षा कारणों से कार को आगे जाने से रोका लेकिन कार चालक बार बार आगे जाने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान जबरन आगे जाने की होड़ में कार का एक पहिया ASI भूरेलाल के पैर पर चढ़ गया और वे घायल हो गए। घटना की जानकारी तत्काल बमीठा थाना प्रभारी अरविंद दांगी को दी गई। इसके बाद बमीठा थाना के पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर कार जब्त करते हुए चालक को हिरासत में ले लिया। घायल पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल लाया गया जहां पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने उससे मुलाकात कर हाल जाना। पुलिस अधीक्षक के साथ कोतवाली थाना प्रभारी अनूप यादव और बमीठा थाने का पुलिस बल भी मौजूद रहा। यहां बागेश्वर धाम ड्यूटी करने गए थे तो UP 32 नंबर गाड़ी आई, उसको दो बार भगाया, दो बार निकल गया। तिबारा फिर आया था, नहीं भैया यहाँ ना खड़ी करो, तिबारा आया उसने अगला पहिया जो है पूरे पैर के ऊपर से निकाल दिया, मैं वहीं गिर गया। कैसे जानकारी ली आपने, किसको जानकारी दी, कैसे बताया? मेरे साथ में एक महिला कांस्टेबल थी, महिला कांस्टेबल ने थाना प्रभारी को बताया, कंट्रोल को बताया, मेरे अधिकारियों को बताया, उसके बाद सभी को जानकारी हुई। अब गाड़ी पकड़ी गई नहीं, मैं तो वहीं था। अब गाड़ी पकड़ी नहीं पकड़ी, उसका नंबर है और मुलजिम को जो है जो गाड़ी चला रहे ड्राइवर था चालक, उसको तो बमीठा थाने में ले गए थे साहब, श्रीमान जी थाना प्रभारी महोदय डांगी साहब बमीठा ले गए थे, उनको वहीं ले गए थे। पैर में है। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर। 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों को कैंपस सिलेक्शन के जरिए अपनी मंजिल तक पहुँचाने वाला गौरवशाली विश्वविद्यालय। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें सागर रोड छतरपुर मध्य प्रदेश।